गाइज वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जून 2024 में आपका जो जे बी हुआ है उसका मैथमेटिक्स सेक्शन एक आंसर की टाइप रहने वाली है आपके लिए जो कि आपको हेल्प करेगी अभी सिर्फ आपको सिंपल आंसर्स बताया जाएगा कि आखिर कौन से क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बाकी सॉल्व वीडियो आपको एक अलग से मिलेगी तो मैथमेटिक सेक्शन है तो क्वेश्चन नाइन्टी वन इफ़ पे इक्वल्स टू माइनस टेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर माइनस टू पे माइनस हंड्रेड इज तो यहाँ पे हमार को जो वैल्यू है वो बतानी है तो so, आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन का सही ऑप्शन है ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन्टी टू हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोविंग टू टू की पावर फाइव होल स्क्र इन सेवन की पावर थ्री अपॉन एट की पावर थ्री इंटू सेवन तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपका है वह ऑप्शन नंबर पे नाइन्टी एट यहाँ पे सही जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी थ्री आपके पाए इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सेवन देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र इज तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर पे जाएगा फोर्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी फोर्थ हमारे पास अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ अ लेंथ फोर्टीन मीटर एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन ट्वेंटी मीटर इन टू सिक्सटीन मीटर फाइंड द एरिया इन विच काउ कैन ग्रेज तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन नंबर बी वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर स्क्वेयर तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर्थ का सही ऑप्शन आपके पास बी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फिफ्थ हमारे है इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ हाफ एंड इट्स हाइट इज डबल देन इट्स वॉल्यूम विल बी तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है बी यानी कि हाफ़ अगर एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो हाफ़ है हाइट उसकी डबल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास हाफ माना जाता है इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन्टी सिक्स हमारे पास है द वैल्यू ऑफ अंडर द रोट वन सेवेंटी सिक्स प्लस अंडर द रोट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड वन इज तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिफ्टीन तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके, आपके पास बी है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी सेवनथ बहुत बार रिपीटेड हो गया क्वेश्चन आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट हो स्मॉलेस्ट नंबर ए सिक्स एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर सिक्स है तो उसके नेक्स्ट नंबर्स क्या क्या हो गए तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानि सिक्स कॉमा एट कामा टेन ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीटेड हुआ है इवन की जो आपका स्पेशल टैट हुआ था लास्ट ईयर और जो आपका नवंबर में टैट हुआ था और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी एट में आ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फोर रुपीज़ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन अ डीलर लॉस्ट सिक्स परसेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल तो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस बताना है आखिर जो आर्टिकल उसका सही कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके है ऑप्शन नंबर डे थ्री हंड्रेड फिफ्टी तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था एक आर्टिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ टू अपॉन इलेवन डिवाइडेड बाय माइनस फाइव अपॉन फिफ्टी फाइव इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास सही आंसर आएगा माइनस का टू यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड आपके पास द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज फाइव थाउजेंड एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर एनवम फॉर वन मंथ तो यहाँ पर जो आपके पास टाइम बताया गया वो वन मंथ बताया गया है तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सिक्सटी टू पॉइंट फिफ्टी रुपीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड वन हमारे पास है इफ़ फाइव एक्स प्लस सेवन पॉइंट टू इज इक्वल टू थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फोर्टीन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज तो इस क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइनस का फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन हंड्रेड टाइप द वैल्यू ऑफ वन अपॉइंट टू पावर माइनस टू माइनस वन पॉइंट टू पावर माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई वन अपॉइंट फोर माइनस का टू तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आएगा वन अपॉन सिक्सटीन यानी कि क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री हमारे पाए फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से एच पी टैट में तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवनटी टू सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड फोर्थ हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर तो इस फिगर में आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि आपका सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हंड्रेड तो क्वेश्चन वन हंड्रेड फोर का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है नेक्स्ट क्वेश्चन वन एंड्रे फिफ्थ मार पाया द रेडियस ऑफ फेयर इज़ टू आर देन इट्स वॉल्यूम विल भी तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको टू आर बता रखा है एक फेयर का तो वॉल्यूम क्या होगा तो इसका सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डे जाएगा थर्टी टू अपॉइंट थ्री पाई आर का क्यूब ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव का नेक्स्ट वन हंड्रेड सिक्स हमारे पास फाइन द मीडियन ऑफ गिवन डाटा तो इस क्वेश्चन में हमारे को मीडियन निकालना है जिसका मतलब होता है जो बीच में आपके पास सेंटर में आएगा मीडियन जब भी निकालते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ताकि कि छोटे से बड़े की तरफ जो बीच में आता है वो हमारा मीडियन होता है तो क्वेश्चन वन हंड्रेड सिक्स का सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है यानी कि सिक्सटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड सेवनथ हमारे पास अ फैमिली ऑफ एट पीपल नीडेड सिक्सटी के जी वेट फॉर अ मंथ हाउ मच वेट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक तो एक वीक के लिए उन्हें कितना वेट लगेगा ये आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोर्टीन के जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट है हमारे पास फ्रैक्शन बिकेम नाइन अपॉन इलेवन इफ टू इज एडेड टू बोथ नोमेटेड एंड डीमिनेटेड एफ थ्री इज एडेड टू फोर्थ नोमिनेटेड एंड डिनोमिनेटेड इट बिकेम फाइव अपॉन नाइन फाइंड द फ्रैक्शन तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका सेवन अपॉन नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन अंडर नाइन्थ है हमारे पास अंडर द रूट टू इज डैश नंबर हमारे ऐसे कोई भी नंबर जो कि अंडर द रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन वन अंडर टेंथ हमारे पास है राजू फादर इज फाइव ईयर मोर देन थ्री टाइम्स राजू एज इफ राजू फादर एज इज फोर्टी फोर ईयर देन राजू एज इज डैश ईयर राजू के पिता की एज तो बता रखी है यहाँ पे फोर्टी फोर ईयर बट जो राजू है उसकी एज कितनी होगी ये आपको निकालना है तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है यानी कि थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड इलेवेंथ हमारे पास है इफ़ थ्री अपॉन फोर ऑफ नंबर इज ट्वेल्व द नंबर इज तो यहाँ पे जो नंबर आपका होगा सही वो होगा सिक्सटीन यानी कि क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवेंथ का सही ऑप्शन आपके पाए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड ट्वेल्थ हमारे पास बैक एंड टेन थ्री रेड बॉल्स फाइव वाइट बॉल्स एंड सेवन ब्लैक बॉल्स वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाई रेड नॉर ब्लैक तो यहाँ पे आपने प्रॉबिबिलिटी बतानी है कि ना तो रेड ना तो ब्लैक का तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपका जाता है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डे यानी कि एट अपॉन फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एट ए इक्वल्स टू थर्टी फाइव स्क्र माइनस ट्वेंटी सेवन का स्क्वेयर तो इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू निकालनी है जहां पर एट ए आपका बराबर बताया गया है थर्टी फाइव का स्क्यर माइनस ट्वेंटी सेवन का स्क्वेयर तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पाए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्सटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड फोर्टीन हमारे पाए विच ऑफ द इक्वेशन हैज टू एज अ रूट तो यहाँ पे जो आपका वन हंड्रेड फोर्टीन क्वेश्चन है इक्वेशन से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के रूट वाले जो रहते हैं मेनली तो क्वेश्चन वन हंड्रेड फोर्टीन का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू एक्स का स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्वल्स टू ज़ीरो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए एज अ आंसर की हेल्प कर रही है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में आखिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड फिफ्टीन हमारे पास यहाँ पर है द लार्जर नंबर विच डिविजिबल सेवेंटी एंड वन ट्वेंटी फाइव लिविंग रिमाइंडर फाइव एंड एट इज तो क्वेश्चन वन हंड्रेड फिफ्टीन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि थर्टींथ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे अक्सर बहुत बार पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा सेवन एंड माइनस वन कॉमा थ्री इज तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बे यानी कि फोर अंडर द रूट टू तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड हमारे पास है द थर्ट टर्म ऑफ टेन कॉमा सेवन कॉमा फोर डॉट डॉ डॉट एस यानी कि यहाँ पे आपने तीसरी टर्म बतानी है तो अब देखो टेन सेवन फोर ये आपके पास यहाँ पे लो फॉर्म में जा रहा है मतलब नेगेटिव वे में आएगा आंसर तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइनस का सेवनटी सेवन तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये वाला फार्मूला लगेगा और आंसर आपका आ जाएगा माइनस सेवनटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड हमारा है द नंबर ऑफ होल नंबर लाइंग बिटवीन माइनस फाइव एंड फाइव यानी कि माइनस फाइव और फाइव के बीच होल नंबर होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर ये हमारे पास आ रहे हैं बीच में इट मीन्स टोटल हमारे पास पाँच होल नंबर्स आते हैं इनके बीच में तो इस क्वेश्चन का भी आपके पास सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जाएगा यानी कि फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी हमारे पास इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि जो शेडेड एरिया है उसका यहाँ पे कितना आएगा आंसर आपके पास एरिया फ़ाइंड करना है आपने तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पाँच अलग अलग भागों में यह बांटा जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है सिक्सटीथ तो आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी बाकी और सेक्शन की भी आंसर की टाइप वीडियोस आपको मिल जाएगी और आई होप कि आपका जो टैट था वो क्लियर हो गया होगा और फीडबैक ज़रूर देना कि आखिर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करी या फिर नहीं तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम जिस सेक्शन को डिस्कस करेंगे अपना जो कि हमारा भी टैट में आया था